अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बदलिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। कंचन बस सुमन बस, मैं अब ये नाटक नहीं कर सकती। हर पल इस झूठ के साथ मैं नहीं जी सकती सुमन। ये समय ऐसे टूटने का नहीं, हिम्मत से काम लेने का है। जो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाता है वो झूठ झूठ नहीं होता, वो तो हर सच से बड़ा होता है। हाँ कंचन, सुमन ठीक कह रही है। इस समय हमें वही करना होगा जिससे करण के दिल को चोट ना पहुंचे। ये समय हमारी सच्चिया झूठ का नहीं है, हमारी हिम्मत की परीक्षा है। और वो हिम्मत तुम में है सुमन। सुमन तुम जो कर रही हो ना वो बिल्कुल आसान नहीं है। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है सुमन जैसे इस मुश्किल में हमने ही तुम्हें डाला है। हाँ सुमन, पर हम क्या करते, होश आने के बाद सबसे पहले करण की जुबान पर सिर्फ तुम्हारा नाम आया। वो बार बार सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। बस इसीलिए हमने उससे कह दिया कि तुम भी आज तक उसका इंतजार कर रही हो। सुमन हमें माफ कर दो। नहीं नंदिनी, माफी मत मांगो। उस हालात में अगर कोई और भी होता तो शायद वही करता जो तुमने किया है। सुमन हमें समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हम सब यहाँ किचन में खड़े खड़े बातें ही करते रहेंगे या नाश्ता भी बनाएंगे? और आज तो करण भी हम सबके साथ मिलकर नाश्ता करेगा। तुम लोग नाश्ता लगाओ, हम अभी सबको बुला कर लाते हैं। ठीक है। कैसे हो गए तुम्हारे बाल? देखो इतने रूखे रूखे से हो गए। तेल लगाए करो, फिर देखना इतने मुलायम हो जाएंगे। हाँ लेकिन मैं अपने हाथ से तेल क्यों लगाऊं? आप है ना? जैसे मेरे पास और कोई काम नहीं है। तो कोई बात नहीं, सुमन लगा देगी। माँ पता है जब मैंने सुमन की वो सफेद साड़ी वाली तस्वीर देखी ना तो अचानक ऐसा लगा जैसे मेरा दिल खालीपन से भर गया हो। मुझे उस दर्द का एहसास हुआ जो सुमन ने साल भर मुझे खोकर झेला होगा। अब समझ में आया माँ कि वो इतनी चुप चुप सी क्यों रहती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना,
अब देखना, अब मैं उसे इतनी खुशियां दूंगा कि वो अपने बीते हुए कल का कोई दुख, कोई दर्द याद नहीं रख पाएगी। अब मैं अपनी सुमन को हर रोज मुस्कुराहटों का तोहफा दूंगा। अब अरे माँ, तेल लगाइए ना। चलिए, नाश्ता तैयार है। चलो चलो, बहुत भूख लगी है। सुमन, माँ जरा देखिए अपनी बहू को, इतनी सादी। नहीं सुमन, ऐसा नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनो। मैं अपनी पत्नी को हर दिन सर से लेकर पैर तक सजा हुआ देखना चाहता हूं। वरना मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। नो ब्रेकफास्ट, नो लंच, नो डिनर। बाप रे, इतनी बड़ी धमकी। बेटा तुम तो जानती हो ना कितना जिद्दी है। अब इस जिद्दी की बात तो माननी पड़ेगी। चलो अब जल्दी जाओ और जल्दी से तैयार होके आओ, तभी नाश्ता करूंगा मैं। सुमन, ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, बहुत प्यार से। मैं चाहता हूं कि शादी के अगले दिन तुम ये साड़ी पहनो। शादी के बाद हर सुबह मैं तुम्हें अपने प्यार के रंग में सजावा देखना चाहता हूं। करण बेटा, चल नाश्ता करने। बेटा बाऊजी भी इंतजार कर रहे हैं, सुमन तैयार होकर आ जाएगी। नहीं माँ, जब तक सुमन नहीं आएगी मैं नाश्ता नहीं करूंगा। अरे भैया, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, आपकी बेटर हाफ नंदिनी भाभी कहाँ है? देवर जी, हम यहाँ हैं। हम अपने लाडले देवर के लिए नाश्ता ही तो बना रहे थे। अच्छा, तो आपके पति देव के लिए नाश्ता कौन बना रहा है? अब हम ही। करण, तुम भी ना बहुत शरारती हो गए। ये हुई ना बात, अब लग रही हो तुम मेरी सुमन। लुकिंग गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल।
सुमन, अगर मैं तुम्हारे लिए साड़ी पसंद करता ना, तो यही साड़ी पसंद करता। पर सुमन, अभी भी एक कमी है। आओ मेरे साथ। सुमन के श्रृंगार में कोई कमी नहीं होगी और तुम फिर से मेरी सुमन लगने लगोगी। कर रहा था तू? बिना नहाए यहां मंदिर में सिंदूर की डिब्बी लेकर खड़े हो गए? मां, कान दुख रहा है। सिंदूर की डिब्बी ला, सुमन खुद अपनी मांग भर लेगी। मां प्लीज। तुम्हें भूख लगी थी ना, नाश्ता भी तैयार है। बिना नहाए सिंदूर की डिब्बी हाथ नहीं लगाने दूंगी, ला दे। सुमन, आज तुम खुद ही अपनी मांग भर लो, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। कल से मैं उठते ही साथ पहले नहा लिया करूंगा। सिंदूर तुम खुद भर लो बेटा। गुड्डी, सुमन को अंदर ले आओ। ये लीजिए भैया। हाँ? आप ये लीजिए ना, आपकी फेवरेट सैंडविच। और ये हमने बनाई। अरे अरे, जरा चक्के तो बताइए कैसी है। मेरा एक मुंह है और एक पेट है, क्या क्या खाऊंगा। इतनी बड़ी फरमाइश की लिस्ट भी तो आप ही ने दी थी ना, अब आपको सब खाना पड़ेगा। ये दादा के हाथ से भी खाना पड़ेगा। अरे अरे भाभी, रुकिए रुकिए, आप वहां कहां बैठ रही हैं? यहां बैठी ना,
कार्तिक भैया के पास। आइए। अरे भाभी ये क्या कर रही हैं आप? और कार्तिक भैया एक ही थाली में खाइए। जब मेरी और सुमन की शादी हुई थी ना, तो हमने एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाया था, है ना सुमन? चलिए आप और भैया भी एक ही थाली में खाइए। अच्छा, तो आप दादाजी से शर्मा रहे हैं, तो उनसे परमिशन मैं ले लेता हूं। दादाजी, हाँ बेटा, क्यों नहीं, लो अब तो परमिशन भी मिल गई। अब दादाजी एक परमिशन और मांगनी थी। हाँ बेटा। मैं और सुमन। हाँ बेटा, क्यों नहीं। चलिए भाभी पहले आप भैया को खिलाइए, फिर हम खाएंगे। भैया अब जल्दी से आप खिलाइए ना, तभी तो मैं खिला पाऊंगा सुमन को। मुझे भी तो खिलाओ। खिलाओ ना। मम्मी मजा आ गया, वाकई खाना बहुत अच्छा बना है। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। ए चुईया, तू भी ऐसा खाना बनाना सीख ले, तेरे ससुराल वाले खुश हो जाएंगे। और एक बात बता, जय जीजू अमेरिका क्या गए, तू यहाँ आ गई? शादी के बाद मायके में रहने का इरादा है क्या? कार्तिक भैया देखिए ना, इनको हमेशा मैं ही मिलती हूँ सताने के लिए। चुप कर, शिकायती रट्टू। कार्तिक भैया देखो ना। अरे हाँ, एक बात तो पूछना भूल ही गया, कार्तिक भैया की शादी का रिसेप्शन कब है? बारे में जरा भी खबर नहीं होनी चाहिए कि हम लोगों ने रिसेप्शन रखा था और कैंसिल कर दिया। मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ बेटा आओ। अच्छा, मैं हेल्प कर सकता हूँ? नहीं बेटा, सब कर लेंगे ये लोग।